ठीक, I'll go through it. I'll go through it. का प्रोसीजर सर, पार्लियामेंट का प्रोसीजर वो हमको सिखा रहे हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ब्राइब के सुप्रीम कोर्ट का आप भी पढ़ते, आपने कंडक्ट क्या किया? भाई आई डोंट थिंक वी शुड गेट इन टू दोज मैटर्स एंड देन ट्राई टू हैव ए डिग अगेंस्ट ईच अदर. व्हाट वी कुड नॉट प्रैक्टिस, इफ यू प्रीच इट नाउ देन देयर बी रिएक्शंस एंड ऑल. आई ओनली सजेस्ट that we should focus on the future and be constructive. Today is a very pious day. Let us Sri Rakesh ji and afterwards deputy chairman. I appeal to everyone, please, because so far we have been able to. Sabhapati mahoday, sabse pehle main aapko dhanyawad dena chahta hu. Aaj 250ve sadan ke is baithak ko aapne ek aitihasik banane ka avsar diya hai. हम सब भाग्यशाली हैं कि इस अवसर के हम गवाह भी हैं, भागीदार भी हैं, और जो आज हम कर रहे हैं उसे इतिहास मूल्यांकन भी करेगा. आपने जब इंट्रोडक्टरी नोट में जो बातें कही, जो एक आधारशिला बहस की रखी, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि उस आधारशिला को हम में से ही लोगों ने तोड़ा. आज एक अवसर था जब हम दलीय राजनीति और दलीय व्यवस्था से ऊपर उठकर आत्मालोचन करते. मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं. 249वें सदन के अंत में जब आपने कंक्लूडिंग स्पीच दिया था तो आपने एक घटना का जिक्र किया कि 19 घंटे 12 मिनट ऑब्स्ट्रक्शन में गया, इसी सदन के सदस्यों ने 27 घंटे 52 मिनट अपने लंच को छोड़कर देर रात तक रुककर उसको चुकाया. यह सदन की उस गरिमा को दिखाता है. और इस सदन को यदि हम हाउस ऑफ लॉर्ड से तुलना करते हैं और सीनेट से तुलना करते हैं तो अपने सदन की गरिमा को घटाते हैं. मैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स की निंदा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूं. 1912 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट स्मिथ ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल डायनासोर. और 12 नवंबर 2015 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में मैथ्यू डी आर्नर ने कहा, हेरिटेज साइट मैस्कुरेडिंग एज मॉडर्न इंस्टीट्यूशन. 824 सदस्य हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, मेजोरिटी ऑफ हेरिडिटरी हैं, 25 चर्च ऑफ इंग्लैंड से आते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और राज्यसभा की कोई तुलना नहीं हो सकती. यह द्वितीय चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, कॉन्शस चॉइस है संविधान सभा का. 47 सदस्यों ने भागीदारी दिखाई थी. उड़ीसा के लोकनाथ मिश्र जी ने एक अमेंडमेंट दिया था कि द्वितीय चैम्बर को ड्रॉप कर दिया जाए. 47 सदस्यों की भागीदारी हुई. इसमें दो और विषय थे. केटी शाह जी ने कहा था कि प्रेसिडेंट को सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए, संसद का हिस्सा नहीं होना चाहिए. और तीसरे मिस रसूल ने, बेगम एजाज रसूल ने कहा था कि इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस होना चाहिए. इन तीन बातों को लेकर 47 सदस्यों ने लगातार विमर्श किया, गहराई के साथ विमर्श किया. इसलिए द्वितीय हाउस, ये जो राज्यसभा कॉन्शस चॉइस से हमने चुना है, या किसी फेडरलिज्म का यूनिटरी पक्ष का कोई द्योतक नहीं है. मैं इसकी बात इसलिए कहना चाहता हूँ, फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे यूनिटरी स्टेट में भी आज द्वितीय सदन हैं. यदि जर्मनी में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो संघीय व्यवस्था है, तो जिन जहां संघीय व्यवस्था नहीं है वहां भी द्वितीय चैम्बर है, सेकंड चैम्बर है. सभापति महोदय, इस द्वितीय चैम्बर को अपनाने का एक बड़ा कारण है. मैं अब उन लोगों से कहना चाहता हूं जो औपनिवेशिक हैंगओवर से ग्रस्त हैं,
औपनिवेशिक विरासत से ग्रस्त हैं उनको आगे बढ़कर देखें, इसका विकास औपनिवेशिक काल में नहीं हुआ। वैदिक काल में सभा और समिति हुआ करती थी, सभा को कहते थे हाउस ऑफ एल्डर्स और समिति को कहते थे असेंबली। और मैं बता देना चाहता हूं, जब भगवान बुद्ध के पास ये घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम से कम आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सदन की उपस्थिति को देखते हुए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अजात शत्रु मगध के राजा थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के पास अपने मंत्री को भेजा, भास्कर को, कि ये पूछो, सलाह लो, हम लिच्छवी भी गणतंत्र पर आक्रमण करना चाहते हैं, उनको विजयंस कहते थे, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, हम जीत पाएंगे? भगवान बुद्ध ने सीधा उत्तर नहीं दिया, उसका इनडायरेक्ट आंसर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने आनंद से पूछा जो उनके शिष्य थे, आनंद क्या तुमको मालूम है कि विजयंस के यहां फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज होती हैं? आनंद ने कहा, हाँ भगवान, हमें मालूम है कि लिच्छवी गणतंत्र में फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज होता है। भगवान बुद्ध ने उसके बाद कहा, सो लॉन्ग देयर हैज बीन फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, देयर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड दैट विजियंस विल डिक्लाइन, रादर दे वुड प्रॉस्पर। और अजातशत्रु को उत्तर मिल गया। आज राज्यसभा के पास जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपनी प्रतिबद्धता, इस सदन की मर्यादा, सदन के रूल, सदन की परंपरा के साथ रखें। लोकसभा राज्यसभा में एक बुनियादी अंतर है, दलीय व्यवस्था के खांचे में रहकर सदन के में व्यवहार करना लोकसभा की बाध्यता है, राज्यसभा उस बाध्यता से बाहर है, इसलिए दल विहीन राजनीति का एक अंश राज्यसभा में होता है, उस दल विहीन राजनीति का अंश कम से कम आज तो नहीं दिखा। जब मैं बहुत से वरिष्ठ सदस्यों को सुन रहा था और वो एक साल की जिस घटना को प्रस्तुत कर रहे थे, कमियां हो सकती हैं व्यवस्था में, लेकिन जो प्रस्तुत कर रहे थे, इस सदन का मूल्यांकन होगा तो 1952 के 13 मई को इस सदन बना था, 13 मई 1952 से लेकर आज तक का मूल्यांकन हुआ, उसी काल में इस देश में इमरजेंसी को लागू किया गया था, जिसमें राज्यसभा को भी शामिल कर लिया गया था, देश के सभी मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी घटी नहीं थी, आगे कभी घटेगी नहीं। हम आज इंश्योर करें कि राज्यसभा कभी भी आपातकाल लगाने की, संविधान को निरस्त करने की, मौलिक अधिकार छीनने का अधिकार किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक दल को, किसी सरकार को नहीं देगी। यह संकल्प हमने 1977 में लिया जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तीन महत्वपूर्ण बात कहकर सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी गरिमा को भी देखें। 1978 से लेकर 2013 की मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जो दिखाता है कि राज्यसभा ने एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। 500 से अधिक घंटे, 9 बार राज्यसभा, 9 बार राज्यसभा 500 से अधिक घंटे बहस की। उसी अवधि 35 साल में 400 से लेकर 500 घंटे तक की सीटिंग 19 बार हुई, 300 से लेकर 400 घंटे की सीटिंग 39 टाइम्स हुआ, 200 से लेकर 300 घंटे की सीटिंग 56 टाइम्स हुआ, और 100 से 200 घंटे की सीटिंग 9 टाइम्स हुआ, 100 घंटे से नीचे एक सीटिंग हुआ। यह दिखाता है कि राज्यसभा को जो भूमिका दी गई थी, उस भूमिका में हम राजनीतिक मरुभूमि नहीं रहे। वो राजनीतिक मरुभूमि नहीं रहने का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जब राज्यसभा के सामने प्रीवी पर्स का बिल आया था, जब पंचायती राज का बिल आया था, राजनीतिक कारणों से भले गिरा, लेकिन राज्यसभा ने दिखाया कि वी प्रोड्यूस को प्रोडक्शन ऑफ द बिल,
बिल सिर्फ लोकसभा से नहीं राज्यसभा से भी बनता है, हम को प्रोडक्शन में साथ होते हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष राज्यसभा के साथ है, राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड और सीनेट का प्रतिबिंब इसलिए नहीं हो सकता है कि इस सभा ने लगभग छह माननीय राष्ट्रपतियों को भेजा है। हमारे छह चेयरमैन भारत के राष्ट्रपति बने, पहले, दूसरे, तीसरे, सातवें, आठवें, नवें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से लेकर के आर नारायणन तक, शंकर दयाल शर्मा जी, वेंकट रमन जी, जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने। इस देश में राज्यसभा ने कई प्रधानमंत्रियों को दिया है। इंदिरा जी, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, और कांग्रेस का विभाजन किस तरह से किया गया, बीबी गिरी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने और अपने ही पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार को हराने का काम किया। अभी इंदिरा जी ठीक, कोई जरूरत नहीं, प्लीज मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है, प्लीज बस दो मिनट में समाप्त करता हूँ। तो इस हाउस ने लगभग तीन प्रधानमंत्री दिए। सभापति महोदय, आज वक्त यह है कि राज्यसभा अपनी भूमिका के लिए दो चीज सुधार करे, दो चीजें आपसे हो जाएं। जो कांग्रेसनल रिसर्च है, अमेरिका में जो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए रिसर्च दिया जाता है, और राज्यसभा के सदस्यों को जो रिसर्च के से संबंध में दिया जाता है, दोनों में बुनियादी अंतर है। हमें गूगल सर्च के आधार पर बंडल पकड़ाया जाता है, उन्हें शोध के आधार पर वो चीज़ें दी जाती हैं जो मेंबर को चाहिए। एक ही शोध की रचना में रिपब्लिकन्स के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स के लिए, उनकी विचारधारा को देखते हुए, पर्सपेक्टिव को देखकर, दो अलग प्रकार के रिसर्च एक ही विषय पर एक ही शोध संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जो हमारे यहाँ नहीं होता। एक तो शोध की व्यवस्था की जाए, दूसरा राज्यसभा की सीटिंग्स को बढ़ाने की भी जो हमारी कल्पना है कि हम गैर राजनीतिक विषयों पर, जैसे पर्यावरण हुआ, जनसंख्या हुआ, ऐसे विषयों पर राज्यसभा अधिक डेलिबरेशन करे, सिर्फ लोकसभा की के साथ साथ उन्हीं विषयों का डेलिबरेशन नहीं करे, यह यदि राज्यसभा करती है तो संभवतः राज्यसभा की उपयोगिता अधिक होगी। और अंतिम बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा, MP-led फंड, ये जो डेवलपमेंट के लिए मुझे फंड दिया जाता है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से मनोनीत हुआ हूँ, मैंने 20 लाख रुपये विद्यापति और शिवाजी पर शोध के लिए भंडारकर रिसर्च संस्थान को दिया, वो पैसे लौट गए कि आप रिसर्च के लिए पैसे नहीं दे सकते। तो हमें एक खांचे में सभी सांसदों को देखना और एक खांचे में सभी विकास की प्रक्रिया को रखना अनुचित होगा। और एक छोटी कहानी के साथ यदि आप अनुमति दें, एक से एक मिनट की कहानी है, राज्यसभा फ्यूचर की कहानी कैसे रचती है, मैं एक छोटी सी कहानी से बात में समाप्त करना चाहता हूँ। शिवाजी नामक उपन्यास को रंजीत देसाई ने लिखा, कुरुंदकर जी ने उसका प्रीफेस लिखा, कुरुंदकर जी ने प्रीफेस में लिखा कि जब शिवाजी जीवित थे तो औरंगजेब से नहीं लड़ रहे थे, जब शिवाजी नहीं थे तो औरंगजेब से लड़ रहे थे। इसका कारण था कि शिवाजी ने अपने जीवन में औरंगजेब से लड़ने की जगह 300 किलो की रचना की, उन्हें मालूम था कि उनकी मृत्यु के बाद संघर्ष होगा, जब शिवाजी नहीं रहे तो उन किलों से अंग्रेज टकराता रहा, 27 किलो से लड़ते लड़ते औरंगजेब चला गया। राज्यसभा की भूमिका वही है कि हम फ्यूचर की रचना यहाँ से करते हैं, भले लोकसभा का मनी बिल के में महत्व हो, लेकिन जिस बात का भाषण करते हैं वो आने वाले 50 साल की पीढ़ी को कुछ देकर जाती है, संसदीय जनतंत्र की रचना करती है। धन्यवाद धन्यवाद जी।